देखो इदा वा कि जिहड़ा कल एक कांग्रेस के एम एल ए सरदार सुरजीत सिंह धीमान उन्होंने शहीद ऊधम सिंह के सरकारी फंक्शन के सुनाम यह कबूल लिया वा कि पंजाब दे विच अज भी चिट्टा मिल रहा वा। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि 15 दिन पंजाब दे विच नशे बंद होए सी क्योंकि पुलिस ने बड़ा प्रेशर पाया सीगा, पर अज पंजाब दे हर गली कूचे शब्द वरत्या उन्होंने कि मिल रहा, और यह जमीनी हकीकत भी है। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक दिन बयान दिता सी कि असीं माफिया का लक तोड़ दिता, पर उन्होंने दस्या नहीं कि माफिया का लक तोड़िया, या ये क्या सीगा कि माफिया पंजाब छड़ के जा चुका, पर यह नहीं दस्या कि किहड़ा पंजाब का माफिया बाहर जा चुका वा। इसलिए जो असी इल्जाम या लोग पंजाब के इल्जाम लाते कि नशे अज भी पंजाब दे विच मिल रहे हैं, उसनू कांग्रेस के ही एक एम एल ए ने पुख्ता किया वा, साडे स्टैंड नू विंडीकेट किया वा। इतों साफ स्पष्ट हो गया कि अज जिहड़ी बिल्ली थैले तो बाहर आ चुकी है, द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। और पंजाब गवर्नमेंट ने ठीक है शुरू में थोड़ा पुलिस ने प्रेशर बिल्ड किया सीगा, लेकिन वो प्रेशर के नाल की होया कि नशे मिलते जरूर ने, महंगे हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना बयान है कि पहला हीरोइन मिलती सी 1500 ग्राम, हुण मिलती हैगी है 5000 ग्राम, और नाल उन्होंने वेरवा दिता कि असी 4800 पुलिस केसिस रजिस्टर करके आदमी जेलों में धकते हैं। ये सारे पैटी एडिक्ट्स ने, लाचार बेबस बेरोजगार बच्चे जिहड़े इस नशे के जाल में फस चुके हैं, वह जेलों च ने। तो जे जेलों में दे के बंद होंगे नशा तो सुखबीर बादल ने तो 25,000 आदमी जेलों तकता सीगा। नशा बंद होगा जिदन साडे बच्चों नू बाइज्जत रुजगार मिलेगा, खेती दे विच उनू तुसी मुनाफेखोर किता बनाओगे, इंडस्ट्री पंजाब विच लेके आओगे, नवी एवेन्यूज़ लेके आओगे। इसलिए ये जिहड़े क्लेम सी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार दे कि नशा पंजाब दे विच असी खत्म करता, वो उन्होंने एम एल ए ने ही स्वीकार करके दसता। इसलिए मैं अमरिंदर सिंह जी नू बेनती करूँगा कि वो गल करो जिहड़ी जमीन ते हकीकत है, एंड ऑलसो यू मस्ट टैल नेम विच माफिया हैव यू pushed out of Punjab and how you have broken the back of drug mafia in Punjab.